अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल के एनजी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। टुडे आई विल बी शोइंग यू हाउ टू मेक ढाबा स्टाइल दाल माश। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आज शेयर करूं। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू मेक। सेम ढाबा स्टाइल वाले दाल माश अपने घर पर ईजीली ट्राई कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दाल माश बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें दाल माश चाहिए होगी। यहाँ मैंने एक कप दाल माश ली है और पानी से मैं इसको सोक कर दूँगी, यानी मैं इसको भिगो दूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी एक चम्मच नमक और हाफ टी स्पून हल्दी का। यहाँ मैं तकरीबन एक छोटा या एक टीस्पून आप कह सकते हैं जिंजर को काट के भी उसमें ऐड कर दूँगी। हल्दी से दाल का कलर बहुत अच्छा आता है और जिंजर इसको काफ़ी फ्लेवरफुल बना देता है। चलें अब इसको हम 5 to 7 मिनट्स के लिए बॉईल करते हैं। जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम कुछ वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। यहाँ मैं चॉप कर रही हूँ 1 मीडियम साइज ग्रीन चिली। अब यहाँ हम कुछ धनिया को चॉप कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट। अब यहाँ मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज और मैं इसको चॉप करूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और उसका हैंडलर आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। अब यहाँ मैं एक टमाटर को चॉप करूँगी। अगर आप और देसी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम इस टमाटो की प्यूरी बनाएंगे देन हम उसको यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे टमाटोज कट हो चुके हैं तो चलें अब हम इसकी प्यूरी बनाते हैं। आप किसी भी ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं और इजीली प्यूरी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर प्यूरी रेडी हो चुकी है और उसके साथ ही साथ हमारी जो दाल थी वो भी बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब यहाँ मैंने एक पैन को रख दिया है स्टोव पर और उसमें मैंने ऐड किया है 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। वैसे तो इस दाल में ज़्यादा ऑयल होता है ढाबा स्टाइल में, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 टेबलस्पून यूज़ किया है। मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी कि ये ज़्यादा ऑयल कैसे हो जाएगा। इसमें मैंने ऐड किया है चॉप्ड अनियन और हम इस अनियन को सॉटे करेंगे कुछ देर के लिए। हमने इस प्याज को जस्ट नरम करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ऑनियन जो है वो नरम हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। यहाँ मैंने यूज़ किया है 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट। और अब हम इसे फ्यू मिनट्स के लिए सॉटे करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। जो हमने प्यूरी बनाई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मैं इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करूंगी। आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद ये ऐसे थिक हो जाएगी। 5 to 6 मिनट्स के अंदर अंदर आपके पास जो है वो इस तरह की थिक हो जाएगी प्यूरी। और आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है।
ढाबा स्टाइल दाल माश में थोड़ा ऑयल ज़्यादा होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें ऑयल ज़्यादा कैसे होगा, ये सेम ढाबा स्टाइल की बनेगी। अब मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट टू टेस्ट। मैंने इसमें अराउंड 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी। यहाँ मैं एक बड़ी इलायची डाल रही हूँ, इससे काफ़ी फ्लेवरफुल हो जाती है दाल। अब इसमें जाएगा 1/2 चाय का चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। इसको अगेन अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्यू मिनट्स के लिए इसको हम कुक करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छे से भून हो गया है, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस पॉइंट पर हम जो हमने दाल बॉईल की है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने दाल को अच्छे से मिक्स कर लेना है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे अबाउट 1.5 कप वाटर और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इस दाल को फ्यू मिनट्स के लिए पकने देंगे और इसे लिड से कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि दाल का कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चॉप की थी रेड चिली और साथ ही साथ ग्रीन करियंडर, धनिया। यहाँ पर मेरे पास है क्रश्ड रेड चिली, उसको भी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी। अब हम इसे कवर कर देते हैं और अब हम लगाते हैं तड़का। अब यहाँ मैंने एक पैन में अबाउट 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसको हम गरम करेंगे। अब यहाँ मैंने अबाउट 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाला है, उसके साथ साथ 1/2 टीस्पून मैंने डाला है रेड चिली पाउडर का। इसको हम 1 to 2 मिनट्स के लिए हीट अप करेंगे और मिक्स करेंगे और देन उसके बाद हम इसको दाल पे पूर कर देंगे। अगर आपको दाल में रेड चिली कम लगे तो आप इस पॉइंट पर चिली ऐड कर सकते हैं। आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हीट अप करना है और आपने इसको ज़्यादा हीट नहीं देनी। यहाँ हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है जो माश की दाल को 4 चांद लगा देगा। सिंपली क्या करना है, इसको फ्लेम से हटाना है और जो दाल है उसके ऊपर हमने इसको पोर कर देना है।
देखें यहाँ पर दाल कितनी मज़े की पक रही है। देखें हमने इसको पोर कर दिया है और यहाँ हमारी ढाबा स्टाइल दाल माश बिल्कुल रेडी है। हमने बस फ्यू मिनट्स के लिए इसको पकने देना है। एंड हियर वी गो। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इफ़ यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।